आइए सुनते हैं मोहतरमा जीनत मुरादाबादी को, जिन्होंने शिरकत की आजमगढ़ 15 घनी के मुशायरे में। ये मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। आपने जहां जहां शायरी को सुना वहां वहां उसको महसूस किया, लेकिन आपके थोड़ा सा मैं आपकी तबीयत में थोड़ी सी तब्दीली चाहता हूँ और थोड़ा सा आपके चाल चलन का अंदाजा लेना चाहता हूँ। आपकी निगाहें जहां पर मरकूज हैं मैं वहां भी देख रहा हूँ। शादाब ने कहा था कि जो शेर सुनाया था आपको, आइए मैं एक शायर सा है एक गुजारिश करता हूँ, एक खूबसूरत शायर से गुजारिश करता हूँ जो मुरादाबाद से यहाँ तशरीफ लाई है, जीनत मुरादाबादी साहिब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा जीनत मुरादाबादी साहिबा, खजा से दूर रहेंगे तेरे शबाब के फूल, मेरी नजर में समा जा मेरे गुलाब के फूल, महक उठे मेरी किस्मत जो वो कबूल करे, सजा के भेज रहा हूँ मैं इंतकाब के फूल। मोहतरमा जीनत मुरादाबादी साहिबा। इस वक्त अभी पहले पहले इस कदर बेचैनी है आपके अंदर जी। अहले इल्म का मजमा है इरफान भाई, तमामी शोरा इकराम से तवज्जो की तालियों। इरफान सदर मौतन से एक मतलब से हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा इरशाद। कि कोई शीशा अगर टूटे तो फिर जोड़ा नहीं जाता, कोई शीशा अगर टूटे तो फिर जोड़ा नहीं जाता, कोई शीशा अगर टूटे तो फिर जोड़ा नहीं जाता, किसी बहते हुए दरिया का वो जोड़ा नहीं जाता। कोई शीशा अगर टूटे तो फिर जोड़ा नहीं जाता, किसी बहते हुए दरिया का वो जोड़ा नहीं जाता। और कोई एक बात अच्छी है, कोई एक बात अच्छी है अगर तुमने तो पर क्या बात, कोई एक बात अच्छी है देते हो, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। देखिए क्या क्या इल्जाम आ रहे हैं आपके सरों का, लेकिन फिर भी लोग आपको छोड़ने को तैयार नहीं। अर्जी करती हूँ एक मिनट इसे और ठीक है। खुशामद करूँ जालों की, क्यों खुशामद, क्यों खुशामद करूँ जालों की, अपनी तकदीर देख लेती हूँ, क्यों खुशामद करूँ जालों की, अपनी तकदीर देख लेती हूँ, जब अंधेरे मुझे सताते हैं तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। टक्कर है कि आप ही जिद्दी हैं और सामने भी एक जिद है आपके।
اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے، ممبئی سے تشریف لائے ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناب نذر بجنوری صاحب نے۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ساجد خان اعظمی۔ تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ کونرا گنی اعظم گڑھ یو پی انڈیا کا۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، اگر آپ اور مشاعرے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن مشاعرے سننا چاہتے ہیں یا کھٹی میٹھی گپ شپ کرنا چاہتے ہیں تو راکی ٹاک سوشل موبائل اپلیکیشن آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان، اعظم گڑھ یو پی سے، راکی ٹاک کے لیے۔